हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के बारे में, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, इन सब के बारे में हम लोग डील कर चुके हैं। आज हम लोग एम्पियर्स लॉ की लास्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब लास्ट यूज के बारे में पढ़ेंगे, एक नई चीज के बारे में पढ़ेंगे। और वो नई चीज हमारे पास क्या है, टोरॉइड है। ये नाम बदलते जा रहे हैं, चीजें भी बदलती जा रही है, नई चीजें आती जा रही है, इंटरेस्ट बनता जाएगा आप लोगों का। लाइक पहले आया सोलेनॉइड, अब जो है हमारे पास क्या आ गया, टोरॉइड आ गया, एक नई चीज। टोरॉइड होता क्या है सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे, और साथ ही साथ फिर देखेंगे टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से और कितना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आज का बेसिकली टॉपिक होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टोरॉइड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। यस, तो अभी के टॉपिक को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, जिनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द टोरॉइड। पहले पता तो वो टोरॉइड है क्या, तब निकालेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, सबसे पहली बार बोला हम लोगों ने सोलेनॉइड, तो बहुत अच्छे से पढ़ा था अभी अभी। सोलेनॉइड हमारे पास क्या था, लाइक अ स्प्रिंग, हेलिकल पाथ, ऐसा बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन हमने सोलेनॉइड के लिए दे दिए थे। अब किसके बाद कहना है कि सोलेनॉइड अगर हमें अच्छे से समझ आ गया तो टोरॉइड तो भाई उसी का ही कहते हैं, मॉडिफाइड कर दिया, मॉडिफाई करवाए हम कार, वैसे ही सोलेनॉइड को हमने मॉडिफाई करवा दिया। मॉडिफाई करवाकर उसको क्या बना दिया हम लोगों ने, टोरॉइड बना दिया। ठीक है, सोलेनॉइड को मॉडिफाई करके हम लोगों ने क्या बना दिया, टोरॉइड बना दिया। टोरॉइड हमारे पास क्या है, सोलेनॉइड का सर्कुलर एनक्लोज सर्कुलर एनवलप। जब सोलेनॉइड को सर्कुलरली पैक कर दिया जाता है, लीनियरली है ये, जब उसका सर्कुलर एनवलप बन जाता है सोलेनॉइड का, तो उसी को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, टोरॉइड। सर्कुलर एनवलप ऑफ सोलेनॉइड इज नोन एज टोरॉइड, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, टोरॉइड नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, हमने टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली बात हमने कंसीडर किया कि एक टोरॉइड है, ये जो हमें ब्लू कलर का दिख रहा है, जो हमारी सर्कुलर लूप है वो टोरॉइड है। अब बोला इसके अंदर तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे भी निकलना आना चाहिए, यहाँ पर भी निकलना आना चाहिए, और यहाँ पर भी निकलना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर जो करंट है हमारे पास, वो करंट होता कहाँ पर है, तो हमने हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है करंट आर ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के किस पे रिजाइड करता है, ऑन द सरफेस। मतलब क्या हुआ कि हमने कंसीडर किया एक लूप जिसका रेडियस हमने मान लिया आर वन है, एक लूप कंसीडर किया जो आउटसाइड है, तीन केसेस लेके चलेंगे, इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस। तो इनसाइड पे क्या आ गया ये हमारे पास स्मॉल आर वन, आउटसाइड पे क्या आ गया आर टू, फिर क्या देखा हमने ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस हमारे पास आ गया, हमने ले लिया कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों सरफेसेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। पहले हमें क्या करना था कि भाई एम्पियर्स लॉ लगाना है, तो कोई ना कोई क्या ले लो, क्लोज सरफेस ले लो। तो ये हमारे पास एम्पियर्स सरफेसेस हो गए, क्लोज सरफेसेस हो गए। सबसे पहली बात की हमने फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला हुआ सरफेस इंटीग्रल, मतलब क्रॉस इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के इक्वल। तो यहाँ हमने फर्स्ट लूप में देखा यहाँ तो कोई करंट था ही नहीं, क्यों अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि टोरॉइड तो सिर्फ यहाँ पर है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो बी डॉट डी एल हमारे पास जीरो हो गया, मतलब यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है ना भाई, इतनी बात। फिर बात आई सेकेंड, सेकेंड हमने लिया आउटसाइड, थर्ड वाला ले लेते पहले, आउटसाइड द सरफेस,
टोरॉइड के आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड तो अगर कहेंगे हो सकता है तो वो कितना होगा, तो बी डॉट बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब बोला भाई टोरॉइड ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, करंट तो सिर्फ कहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ गया फिर यहाँ, यहाँ गया फिर यहाँ, यहाँ ऐसे ऐसे ही टोरॉइड फ्लो, टोरॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ तो कोई करंट आ ही नहीं रहा, कोई करंट नहीं आ रहा तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई जीरो मतलब बी की वैल्यू जीरो। कितना इजी था ना, सिर्फ जीरो ही तो निकालना था, कहाँ कहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड दोनों में बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। अब क्या किया हमने, अब हम और आगे चले तो हमारे पास एक सेकंड सरफेस बच गया, सेकंड सरफेस हमारे पास क्या है, सेकंड सरफेस हो गया दिस वन, ठीक है। फिर से वही कंसीडर करेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है हमारे पास, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, बट यहाँ पे भी एक लेंथ हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर डेंसिटी। अब यहाँ पर लेंथ की जगह लेंथ नहीं होगी क्योंकि सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है तो लेंथ को क्या कह देते हैं, सर्कमफेरेंस, वेरी गुड। एल को लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, जब भी सर्कल बनता है तो लेंथ को क्या कहा जाता है, सर्कमफेरेंस, कह दिया। तो अब क्या होगा, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, फॉर्मूला लगाया, बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई, किसने बोला ये, एम्पियर्स लो ने, एम्पियर्स लो ने हमें बताया बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई, बी हमारे पास डॉट डी एल। अब इसमें लेंथ का इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट करा, मान लो यहाँ से करंट जीरो से ये पूरा सर्कल, पूरा सर्कल तो कितना होती है लेंथ, 2 पाई आर इक्वल किसके, म्यू नॉट आई, पर किससे कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्या थे, चलें एक के लिए तो म्यू नॉट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। तो बी डी एल का आ गया एल, म्यू नॉट एन आई, बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन बाय एल आई, एन बाय एल यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट एन आई, ये लेंथ को हम लोग पहले अगर लिख देंगे तो 2 पाई आर होगा, यहाँ पर भी पहले मेंशन कर दो, जीरो से 2 पाई आर, लिमिट लगा दी 2 पाई आर माइनस जीरो, तो ये आ गया म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ पर नंबर डेंसिटी, एन नंबर डेंसिटी इक्वल टू एन इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी हमारे पास एन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एन, यहाँ पर लिखा कैपिटल एन बाय एल, कैपिटल एन बाय सर्कमफेरेंस, कैपिटल एन बाय 2 पाई आर, कैपिटल एन बाय 2 पाई आर को हमने नाम दे दिया स्मॉल एन, दैट इज नंबर डेंसिटी। तो यहाँ से अगर आपको कुछ याद आया तो हमने जो सोलेनोइड किया था वो भी बिल्कुल सेम आया था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, टोरॉइड में भी हमारे पास क्या आएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो सोलेनोइड हो चाहे वो टोरॉइड हो, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में हमेशा सेम रहता है, और यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली एप्लीकेशन थी हमारे पास एम्पियर्स लो की और हमारे बायर्ड सावर्ट्स लो की वो कंप्लीट होती है, और इन एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आपके पेपर में पक्का आती है, तो इस चीज को देखो समझो और बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू।